हेलो दोस्तों, आईटीआई भारत इसके लिए यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में डीजल मैकेनिक थ्योरी के नियमित प्रश्न की सीरीज करा रहे हैं, जो आपकी सीवीटी एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रभाव का विरोध करता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी लोगों ने, इसका बी नंबर इसका आंसर दिया है। क्या दिया? बी नंबर। कांच, कांच इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। विद्युत सर्किट में एमीटर द्वारा मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। जितने भी बच्चे नए बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वीडियो पर, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जो पुराने बच्चे हैं वो चैनल को लाइक कर लें। जल्दी फटाफट बताइए इसका आंसर। बहुत बढ़िया, सी नंबर इसका आंसर दिया सभी लोगों ने। इसका क्या आ जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। करंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। इन चारों में से कैपेसिटेंस की इकाई क्या है, इन पे फटाफट बताइए। इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा आएगा? सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, सभी लोगों ने एक नंबर आंसर दिया है। इसका दिया है सी नंबर। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेरेड, फेरेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपकरण का नाम क्या है? ये डायग्राम दिया है आपके सामने, इसका नाम पूछा है, इसका नाम क्या है इस डायग्राम का? फटाफट इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, इन कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट। बहुत बढ़िया आंसर, सभी ने इसका सही आंसर दिया है, ए नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फिंगर में दिखाए गए लॉजिक गेट का नाम बताइए। तो इस चारों, ये जो सामने देख रहे हैं डायग्राम, इसका नाम पूछा है इसका गेट का, तो इसका नाम क्या होगा? इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताएं। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी लोग, इसका आंसर सही दे रहे हैं, ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए नंबर। एंड गेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फिंगर में दिखाए गए लॉजिक गेट का नाम बताइए। फिर से वही उसी तरह का ये आंसर आ चुका है, देख सकते हो आप, इसको दोबारा दोहराया गया, अलग अलग क्वेश्चन है मगर ये, लेकिन क्वेश्चन सेम वैसा ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसको। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोग इसका बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी नंबर। आर गेट, आर गेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतीक का नाम क्या है? तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी लोग, इसका आंसर सही दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी नंबर। नॉट गेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस तर्क गेट को इन्वर्टर कहा जाता है? तो इन्वर्टर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, इन चारों में से बताइए।
बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी बच्चे इसका आंसर दें, सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी नंबर, नॉट गेट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है, विद्युत भाग का नाम क्या है? तो ये डायग्राम दिया है, इसको बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है, ये सामने आपके है, इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया, ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए नंबर, फ्यूज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाग जुड़ा हुआ है जो दबाए एवं दबाए गए पुश बटन के हॉर्न सर्किट को पूरा करे? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है, डिस्क्रिप्शन में फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी नंबर, ग्राउंड प्लेट, ग्राउंड प्लेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केबलों में रंग कोड का उद्देश्य क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में दें आंसर इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, इसका आंसर सही दे रहे हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, नहीं सॉरी, सी नंबर होगा इसका, है ना? क्या हो जाएगा? सी नंबर। प्रत्येक सर्किट की आसान पहचान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस उपकरण में विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने इसका, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर, कैपेसिटर, कैपेसिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? अगला क्वेश्चन है, डिस्चार्ज के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है? तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपकी परीक्षा पास में, इसको अच्छे से रिवाइज कर लें जिससे कि किसी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी परीक्षा में, और प्रश्न को सोच समझकर आंसर लगाएं, घबराएं ना इसमें, ठीक है? और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो बाद में लगाएं, जो जो आते हैं उस पर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते जाएं, ठीक है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताएं इसका। बी नंबर इसका राइट आंसर लगाया सभी लोगों ने। क्या लगाया? बी नंबर। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, चार्जिंग के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जिससे कि उनका भी कुछ हो सके, क्योंकि आपका मित्र है, आपके साथ डिस्कशन करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है उनको ये वीडियो शेयर करें, ठीक है, उन तक पहुंचाएं। ठीक है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताएं। तो इन चारों में से हमारा जो राइट आंसर दिया है सभी लोगों ने, तो ए नंबर दिया है इसका। क्या दिया? ए नंबर। बहुत बढ़िया, रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में ऑक्सीटिव प्लेट की सामग्री क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं।
बहुत बढ़िया आंसर दिया है, सभी लोगों ने इसका बी नंबर आंसर लगाया है। क्या लगाया? बी नंबर, लीड पेरोक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीड पेरोक्साइड इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। लीड एसिड बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, ये पिछली बार पूछा गया था परीक्षा में आपके। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोगों ने इसका जो राइट आंसर दिया है वो बी नंबर इसका लगाया है, सभी लोगों ने। कौन सा लगाया? बी नंबर, सल्फ्यूरिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पूरी तरह से चार्ज बैटरी की विशिष्ट गुरुत्व क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है, फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में। सभी लोग इसका आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया और शानदार, डी नंबर इसका आंसर दिया है सभी लोगों ने, डी नंबर। 1.260 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यदि कंडक्टर ने चुंबकीय फीड को स्थानांतरित और काट दिया तो किस प्रकार का EMF उत्पन्न होता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत ही बढ़िया, सभी लोग इसका जो राइट आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा गतिशील रूप से प्रेरित EMF इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्लोज सर्किट में सॉफ्ट आयरन बार का क्या प्रभाव होता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताएं। बहुत ही बढ़िया, सभी लोग ने आंसर दिया, कुछ लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है, बाकी सभी ने इसका आंसर सही लगाया है, सी नंबर। क्या आ जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का नाम क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है, फटाफट बताएं। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, सभी लोग इसका आंसर दे रहे हैं ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। डायोड इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठोस अवस्था स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फटाफट तुरंत डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक उस पर कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे हम आपकी सबकी कमेंट देखते जा रहे हैं, कौन सही लगा रहा है, कितने सही लगा रहे हैं, यहाँ पे हमें सब दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, जो भी कमेंट में बताता है वो हमें सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो आप फटाफट कमेंट में बताया करो कि ये आएगा ये आएगा। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों ने इसका राइट आंसर लगाया है डी नंबर, काफ़ी बच्चों ने सही लगाया और कुछ बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है, तो इसका डी नंबर आंसर आएगा बच्चों। जिनने गलत लगाया है वो देख लेना इसका। ठीक है, ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके। एक तापमान संवेदनशील अवरोधक कौन सा है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ये पिछली बार ये आंसर आ चुका है दोस्तों, ये रिपीट किया गया है, ये आंसर को ध्यान रखना, आ भी सकता है आपका, क्योंकि पिछली बार ये आंसर आ चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है इस पर। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा इसका।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग इसका आंसर दे रहे हैं सी नंबर। सी नंबर इसका राइट आंसर आएगा। थर्मी सटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों। बैटरी की एम्पियर घंटे की रेटिंग 5 एम्पियर और 20 घंटे की अवधि प्रदान करती है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों। जब आप पेपर देने जाओगे बच्चों तो सेट सबका अलग अलग आता है, ये मत कह देखना कि आपका सेट ये है उनका सेट ये, सबका सेट अलग अलग रहेगा और सबके क्वेश्चन ऊपर नीचे रहेंगे, आपको उसमें कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, आपका बगल का बैठा हुआ तो वो भी नहीं बता पाएगा क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे आपके। ठीक है, और हर शिफ्ट में चेंज होते रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये इसका इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फटाफट बताएं। सभी बच्चों ने इसका आंसर जो लगाया है सी नंबर इसका राइट आंसर लगाया है। ठीक है, क्या लगाया? सी नंबर। 100 एम्पियर हवर्स मतलब घंटा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सर्किट का नाम क्या है? सर्किट का नाम क्या है? आपको इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा फटाफट बताइए। सेंटर पे आपको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, आधा घंटा एक घंटा पहले पहुंच जाना, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि सेंटर पहुंचोगे तो आपको आसानी रहेगी वहां पे पहुंचने में। आपके टाइम टेबल रोल नंबर वगैरह साइन सिग्नेचर सब कुछ करवाते हैं, उसके बाद अंदर एंट्री मिलती है, तो हो सके तो आप सेंटर पे थोड़ा पहले पहुंच जाना। ठीक है, एक घंटा पहले। ठीक है, जो भी आपको जैसा उचित लगे, पर मेरी तरफ से एक घंटा पहले आपको पहुंचना पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा माहौल भी देख लोगे किस तरह का है किस तरह का नहीं है। जिसका पहली बार पेपर है उसके लिए, क्योंकि वो घबराते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं, कैसा क्या होगा माहौल, तो उनके लिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा फटाफट बताइए इसका पहले। तो इन चारों का हमारा जो राइट आंसर बच्चों ने लगाया है तो ए नंबर लगाया है इसका राइट आंसर। क्या लगाया? ए नंबर। ओपन परिपथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। प्रतिरोध R क्या है? यदि प्रतिरोध R1 और R2 श्रृंखला में जोड़े हैं तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। कमेंट बॉक्स में फटाफट दिया गया, कमेंट बॉक्स में देने से आपको ही फ़ायदा है। आपको इसलिए फ़ायदा है कि आप इसमें अगर लगाओगे ना तो वहाँ पे भी आपको एकदम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको तुरंत उस पे एकदम याद आ जाएगा, हाँ बी नंबर है। और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है रिवाइज क्वेश्चन रहता है, सेम रहता है लेकिन आंसर अलग अलग आते हैं, तो उसका भी हमेशा ध्यान रखना आपको। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल शांति माहौल से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर देना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है आपने वहाँ पे अगर गलत लगा दिया कंप्यूटर पे तो वापस सही नहीं कर सकते, तो वहाँ पे सही भी हो जाता है। अगर आपको जैसे ही याद आ जाता है कि नहीं ये नहीं तो ये है, तो तुरंत उसको हटा के दूसरा लगा देना आंसर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा ये बताइए फटाफट। तो सभी लोगों ने इसका आंसर जो दिया है बच्चों ने ए नंबर दिया है, बहुत बढ़िया आंसर दिया है सभी बच्चों ने इसका। क्या दिया? ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, R बराबर R1 प्लस R2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। विद्युत प्रतीक का नाम क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए एक बता रहा हूँ, जो आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर कर देना ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से मैंने सिर्फ छांट कर क्वेश्चन लाया हूँ, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, ये वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 21, 20, 19 और जिनमें 22 में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को छांट कर लाया हूँ उन पेपरों में से। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप इसमें से फेल नहीं होंगे, पास ही होंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको वीडियो को पूरा अच्छे से पढ़ लेना, अपने दोस्तों को प्रोवाइड कर देना, जिससे कि वो भी अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे से मार्क्स ला सकें इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा ये और बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर सभी लोगों ने दिया है बी नंबर। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे ना।
क्या दिया है, बी नंबर बैटरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन पर है, विद्युत मापक यंत्र का नाम क्या है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत ही बढ़िया आंसर, सभी बच्चों ने इसका डी नंबर आंसर दे दिया है तुरंत। क्या आ जाएगा, डी नंबर मल्टीमीटर। क्यों, क्योंकि इसलिए बच्चों ने आंसर दे दिया है इसका, क्योंकि ये सामने जो डायग्राम है इसको मल्टीमीटर ही बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर ही बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नाभिक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाए, फटाफट बताइए। आप देख सकते हो इसमें चिन्ह दिया है, ये इसके बारे में पूछा है, ठीक है, तो इसके बारे में बताना है ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, तो इन चारों ऑप्शनों में से बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो सभी लोग बच्चों ने जो आंसर दिया है, काफ़ी बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, इसका बी नंबर इसका राइट आंसर दिया है, तो इसका क्या दिया है, बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, प्रोटॉन, प्रोटॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा साइंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अर्धचालक सामग्री कौन सी है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, तुरंत दीजिए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर सभी लोगों ने दिया सी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी लोगों ने, सी नंबर सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, अर्धचालक पदार्थ किस घटक द्वारा बनाया जाता है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, इसमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताया करो, आपको नहीं ये आएगा सर ये आएगा, तो हमको क्या है उसमें देखने में भी अच्छा लगता है, काफ़ी लोग बच्चे कमेंट करते हैं तो हम उनको देखते भी हैं, इसलिए मैं आपको कमेंट बता, और आपका रिवाइज भी अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो इसका इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है, फटाफट बताइए एकदम, तो सभी बच्चों ने इसका डी नंबर इसका आंसर दिया है, क्या दिया है, डी नंबर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, किस परमाणु के माध्यम भाग का भाग का क्या नाम है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए आंसर हमें इसका। तो सभी लोग इसका जो राइट आंसर दे रहे हैं तो डी नंबर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, डी नंबर नाभिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को कहा जाता है, इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, फटाफट एकदम राइट कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर, और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो इन चारों में से जो बच्चों ने आंसर दिया है ए नंबर दिया है, कुछ बच्चों ने इसका गलत आंसर लगाया तो वो देख लेना इसमें, जिन लोगों ने गलत लगाया है उसको सही करके पढ़ लेना एक बार, इसको दो बार तीन बार जो भी बार जितनी आपकी इच्छा हो उतनी बार पढ़ लेना, इसको रिवाइज करें क्योंकि इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका ए नंबर इसका राइट आंसर आएगा बच्चों, क्या आएगा, ए नंबर करंट, करंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, किस कानून में कहा गया है कि वोल्टेज के लिए करंट अप्रत्यक्ष रूप से और प्रतिरोध के विपरीत विपरीत व्यक्तिक्रमानुपाती होता है, व्यक्तिक्रमानुपाती होता है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं बच्चों। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है सभी लोगों ने इसका, इसका आंसर सभी ने दिया है ए नंबर, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है वो दिया है ए नंबर, ओम का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर आपके, विकल पैनल बोर्ड पर किस विद्युत
मापने के यंत्र को लगाया जाता है। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा फटाफट बताएं। और सेंटर पे जाते समय आप अपना एडमिट कार्ड साथ में लेकर जाना और एक फ़ोटो और एक आधार कार्ड, ये ध्यान रखना, ये मत भूल जाना आप। अगर आधार कार्ड नहीं लेके गए तो मुश्किल हो सकती है, बिठा लें पर कह नहीं सकता हूँ, पर मैं जब देने गया था, बच्चे और भी देने गए थे, तो वो आधार कार्ड साथ में ले गए थे, वो देखते हैं आपका आधार कार्ड। तो ये गलती ना करें, आप अपना एक फ़ोटो और एक आधार कार्ड साथ में लेकर जाएं ओरिजिनल, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये ठीक है। इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा फटाफट बताइए। तो इन चारों में से जो इन सभी बच्चों ने आंसर दिया है वो दिया ए नंबर, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर, ए मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके, ब्लास्ट सर्किट किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फटाफट बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, तुरंत दीजिए इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया आंसर, सभी लोग इसका आंसर दे रहे हैं, सी नंबर सभी लोग इसका आंसर दे रहे हैं बिना समय गवाए। हॉर्न सर्किट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी इसका गलती से थोड़ा लग गया, मिस्टेक हो गई है, इसका आंसर बच्चों क्या आएगा? सी नंबर आएगा इसका, ठीक है, मिस्टेक हो गई, ध्यान रखना ना गलती से, तो इसका सी नंबर आएगा बच्चों। फ्लेशन सर्किट, फ्लेशर सर्किट इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है, इसका सी नंबर आंसर है, वो गलत मत लगा लेना, ठीक है, इसका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गलती से थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, उसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका, वाहन फ्लेशर इकाई में किस प्रकार के अवरोधक का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या आएगा? सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया है ए नंबर, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ए नंबर, ब्लास्ट सर्किट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुक्त रख रखाव वाली सील बंद बैटरी का क्या फ़ायदा है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जल्दी से जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में। सभी लोग इसका राइट आंसर दे रहे हैं ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है, ए नंबर। डिस्टिलर्ड वाटर की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बैटरी की क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है? तो जल्दी से जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में हमें राइट आंसर दें, इसका क्या आएगा? तो सभी बच्चे इसका जो राइट आंसर लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं ए नंबर, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। एम्पियर घंटे की रेटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अर्धचालक सामग्री कौन सी है? तो अर्धचालक सामग्री कौन सी है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी लोग इसका आंसर दे रहे हैं सी नंबर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी नंबर। जर्मेनियम और सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, थर्मलाइजिंग करने की क्वेंचिंग माध्यम क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है बच्चों फटाफट बताइए आंसर एकदम। बहुत बढ़िया आंसर, सभी बच्चे इसका बी नंबर आंसर दे रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
क्या हो जाएगा, बी नंबर खुली हवा, खुली हवा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, बिल्डिंग डिवाइस का नाम क्या है, बिल्डिंग डिवाइस का नाम क्या है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं बी नंबर, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर, इंजन जनरेटर, इंजन जनरेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, बिल्डिंग प्रक्रिया में किनारे की तैयारी और सेटअप का नाम क्या है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया है ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर, सिंगल वी बट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले किनारे की तैयारी विधि का नाम क्या है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी बच्चों ने इसका एकदम राइट आंसर दिया ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर, सभी बच्चों ने ए नंबर इसका राइट आंसर दिया है, ये हो जाएगा सिंगल वी बट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, चाप वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का शारीरिक परिवर्तन होता है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए सभी लोग बच्चे। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, सभी बच्चों ने इसका बी नंबर आंसर लगाया है, कुछ बच्चों ने इसका गलत लगाया, जिन बच्चों ने गलत लगाया है वो इसको सही कर लेना, ठीक है, बाद में आप इनको देख लेना, क्या आ जाएगा बच्चों इसका बी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा, धातु स्थानांतरण इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एसीटिलीन गैस सिलेंडर का रंग क्या है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए, तुरंत बताया करो इसमें कमेंट में कौन सा आंसर है, इतना टाइम मत लिया करो। ठीक है, और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो हम आपके लिए लेकर जो क्वेश्चन आए हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो इन चारों में से हमारा जो राइट आंसर है बच्चों भी हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर है, मेरून इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग क्या है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी ने सी नंबर लगाया, इसका राइट आंसर क्या लगाया, सी नंबर इसका काला हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीएसिटिलीन गैस की ज्वाला का क्या नाम है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, सभी बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर, नेचुरल फ्लेम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर बच्चों, वेल्ड संयुक्त का नाम क्या है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, सी नंबर इसका आंसर लगाया सभी बच्चों ने, क्या लगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंगल वेवल बट, क्या हो जाएगा, सिंगल वेवल बट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बेल्डिंग प्रक्रिया का नाम बताइए, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए स्क्रीन पर जो दिए हुए हैं चारों ऑप्शन आपके सामने। बहुत बढ़िया आंसर, सभी बच्चे इसका बी नंबर लगा रहे हैं, क्या आ जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोड स्लेज वेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एम्पीएस वेल्डिंग करंट के साथ पट्टिका वेल्ड लैप जॉइंट
लेप जॉइंट में प्रयुक्त मध्यम लेपित एमएस इलेक्ट्रोड का व्यास क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये पिछली बार कक्षा में, पिछली बार पेपर में आया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा डी नंबर। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3.15 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है अपना, वेल्ड लाइन के साथ इलेक्ट्रोड कोण क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा आंसर सभी बच्चों ने दिया है। इसका ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए नंबर। 70 डिग्री टू 80 डिग्री तक इसका, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जो विद्युत आर्क वेल्डिंग की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा कर रहा है, इसका किस आंखों की रक्षा कर रहा है, किसके किस किरणों से? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बच्चों, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, इस पर इंपॉर्टेंट लिखा लगा लेना है MI, ठीक है। ये राइट इसका, तो इसका आंसर बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी 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 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन, क्या हो जाएगा? वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन, वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपकरण का नाम क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे इसका आंसर सही लगा रहे हैं। डी नंबर इसका राइट आंसर लगाया सभी बच्चों ने, डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग मशीन, क्या आ जाएगा? अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग मशीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने स्क्रीन पर, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसमें एक्स दिया है, इसका नाम पूछा है, इसका नाम क्या है? ये आप देख सकते हो, इसमें ये इसका नाम पूछा है, तो इसका नाम क्या है? इन चारों में से फटाफट आंसर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर, सी नंबर सभी लोगों ने इसका आंसर लगाया है। स्पार्क लाइट, क्या आ जाएगा? स्पार्क लाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एसीटिलीन गैस कनेक्शन रिसाव परीक्षण के लिए किस समाधान का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर सभी बच्चों ने इसका आंसर लगाया, सी नंबर, सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। साबुन का पानी, क्या आ जाएगा? साबुन का पानी इसका, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आपका पिछली बार रिवाइज हुआ था इसलिए कह रहा हूँ आपसे, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन ले जाने वाली नली का रंग क्या है? ऑक्सीजन ले जाने वाली नली जो है उसका रंग कैसा है, वो पूछा है इसमें। तो इन चारों में से कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। बहुत बहुत बढ़िया आंसर दिया है सभी लोगों ने, बी नंबर, बी नंबर इसका राइट आंसर लगाया। काला, क्या दिया? काला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एसीटिलीन ले जाने वाली नली का रंग क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है, फटाफट बताइए। ये भी देख लीजिए आप, इसमें एक जैसा क्वेश्चन था अभी जो आपने पढ़ा, वो भी सेम इसमें का ही क्वेश्चन था, उसने भी यही पूछा था, एसीटिलीन गैस, उसमें ऑक्सीजन पूछा था, इसमें एसीटिलीन ले जाने वाली नली का रंग क्या है? तो ये ध्यान रखना, इनमें से एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो मैं छांट के आपको, ये सारे क्वेश्चन अगर आपको करवाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा पास में बहुत ज़्यादा, इसलिए ये क्वेश्चन छांट कर लाया हूँ, जो कि आपके इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाएगा, ठीक है।
सारे क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे आपके, ये सारे नीमी के क्वेश्चन हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरून। मेरून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए। ये देख सकते हो आपको, इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या है, बहुत बढ़िया, सभी ने ए नंबर इसका राइट आंसर लगाया। क्या लगाया, ए नंबर, सुरक्षा प्लग। सुरक्षा प्लग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रक्रिया, प्रक्रिया का नाम क्या है, प्रक्रिया का नाम क्या है, ये पूछा है, ये डायग्राम दिया है, इसका पूछा है प्रक्रिया का नाम क्या है। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये फटाफट बताइए आप कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोग इसका आंसर बी नंबर लगा रहे हैं, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर, कार्बोरिंग, कार्बोरी सिंह का कार्बू, कार्बोरी सिंह, कार्बोरी, कार्बू री सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बोरी सिंह, सिंह इसका राइट आंसर, यही इसका राइट आंसर होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पिछली बार कक्षा में भी पूछा गया था, जो आप देख सकते हो ये, ठीक है, ये 2020 में आया था, 2020 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये हो सकता है वापस रिवाइज दिया दे दिया जाए, तो ध्यान रखना इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, धातु पट्टी में किस प्रकार का हार्डनिंग, हार्डनिंग इस्तेमाल किया हुआ करंट होता है। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने इसका आंसर दिया सी नंबर, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, सी नंबर, इंडक्शन हार्डनिंग। क्या आ जाएगा, इंडक्शन हार्डनिंग इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, कैम शाफ्ट उत्पादन के लिए किस प्रकार का सख्त उपयोग किया जाता है। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए इसका, इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी लोगों ने इसका डी नंबर आंसर लगाया है। क्या लगाया, डी नंबर, इंडक्शन हार्डनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रक्रिया का नाम क्या है, प्रक्रिया का नाम क्या है, ये दिया है आपको, इसका नाम पूछा है, इसका नाम क्या है, देख सकते हो आप। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी लोगों ने ए नंबर इसका राइट आंसर लगाया। क्या लगाया, ए नंबर, नाइट राइडिंग, नाइट राइडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, गैस की लो का क्या नाम है। बच्चों ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, 100% ये क्वेश्चन आपके में फंसेगा, ये मैं कह रहा हूँ आपको, इसको पढ़ लेना आप। ठीक है, क्या है, गैस की लो का क्या नाम है। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा, फटाफट बताइए। इसका आंसर जो दिया है सभी बच्चों ने, वो ए नंबर दिया है, कुछ बच्चों ने गलत दिया है, पर इसका आंसर ए नंबर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ए नंबर, नेचुरल फ्लेम, नेचुरल फ्लेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने स्क्रीन पर, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये एक्स दिया है, इसका नाम पूछा है, इसका नाम क्या है। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग इसका आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, सी नंबर इसका आंसर लगाया सभी बच्चों ने। क्या लगाया, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सी नंबर, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा, ये देख सकते हो, इसमें एक्स का चिन्ह है ना, इसके बारे में पूछा, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोग इसका ए नंबर आंसर दे रहे हैं, स्विच, स्विच इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्विच इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये फिर दे दिया, देखो डायग्राम इसमें बहुत वो आ सकते हैं आपके में, क्या डायग्राम बहुत सारे आ सकते हैं, ये देखो एक्स का फिर से वापस दे दिया। तो इन चारों में से जो है ना, इसका नाम बताना, तो इन चारों में से हमारा नाम कौन सा आएगा इनमें राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने इसका डी नंबर इसका राइट आंसर दिया। क्या दिया, डी नंबर, संपर्क ट्यूब, संपर्क ट्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गर्मी उपचार, गर्मी उपचार प्रक्रिया कौन सी है। तो कौन सी है इन चारों में, तो इन चारों में तो जो राइट आंसर सभी बच्चों ने लगाया, वो लगाया डी नंबर। क्या लगाया, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, डी नंबर, एनी लिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
फ्लेम हार्डनिंग प्रक्रिया में किस क्वेचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों ने इसका आंसर दिया डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर, वाटर स्प्रे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सी नंबर इसका, काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया है, सी नंबर का दिया काफ़ी बच्चों ने। स्ट्रेंथ बढ़ाएं, क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेंथ बढ़ाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बी नंबर इसका राइट आंसर दिया। क्या दिया? बी नंबर, क्या हो जाएगा? बी नंबर। मशीनीकरण में सुधार करें, क्या बोला है इसमें? जो एनीलिंग का उद्देश्य क्या है इसका पूछा है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर है, वो पूछा है मशीनरीकरण में सुधार करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऐसी आर्क वेल्डिंग मशीन का लाभ क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया है, सभी ने इसका आंसर लगाया बी नंबर, बहुत अच्छा। फ्रीडम फ्रॉम आर्क ब्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग मशीन में रिएक्ट फायर सेट का उपयोग करने का क्या फायदा है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी ने बी ए नंबर दिया है इसका। क्या दिया? सभी ने इसका ए नंबर आंसर दिया है। क्या? ए नंबर, सभी लो और अलो के लिए उपयुक्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इन चारों में से जो हमारा राइट आंसर है क्या है, तो फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी ने ए नंबर दिया, इसका राइट आंसर दिया है। क्या दिया? ए नंबर, आर्क वेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से दूर वेल्डिंग के लिए क्षेत्र में किसी भी मशीन का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? तो इन चारों में से हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी लोग इसका बी नंबर आंसर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बी नंबर, तो इसका बी नंबर सही है एकदम। इंजन जनरेटर सेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी धातु को एसी वेल्डिंग मशीन द्वारा वेल्ड नहीं किया जा सकता है? तो क्या है इन चारों में से हमारा राइट आंसर, फटाफट बताइए। बहुत सभी लोगों ने जो आंसर दिया है, काफ़ी बच्चों ने ए नंबर इसका आंसर दिया है। ए नंबर, क्या दिया? ए नंबर, पीतल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस सिलेंडरों को ले जाने के लिए कौन सी सुरक्षा विधि है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो सभी बच्चों ने जो आंसर दिया है इसका, वो दिया है डी नंबर इसका आंसर दिया है सभी ने। ट्रॉली का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्मी उपचार प्रक्रिया या चरण कौन सा है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए एकदम। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने इसमें जो आंसर दिया है वो दिया है क्या? बी नंबर, धातु को धीरे धीरे गर्म करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
केस हार्डनिंग होने का क्या महत्व है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोग इसका जो आंसर दे रहे हैं वो है बी नंबर। बी नंबर सभी लोगों ने आंसर दिया है इसका। प्रतिरोध का सामना करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पर। गैस फ्लेम के बाहर निकलने और आग लगने के समय सबसे पहले किस वाल्व को बंद किया जाता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। सभी बच्चे जो आंसर लगा रहे हैं इसका वो बी नंबर लगा रहे हैं। क्या बी नंबर इसका आंसर लगा रहे हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ब्लू पाइप में ऑक्सीजन वाल्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कौन सी गैस काटने की प्रक्रिया सभी स्थिति स्थान और पानी के नीचे के लिए उपयुक्त है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया बी नंबर। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमाव प्लाज्मा काटना क्या आ जाएगा, प्लाज्मा काटना इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, बी नंबर, बिना सोचे समझे इस पे आंसर लगा दिए, बी नंबर आएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। मास्टर सिलेंडर इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बाकायदा आप इसको पढ़ लेना अगर आपको पास होना है परीक्षा में। आंख बंद करके आप इसको लगा लेना इस वीडियो को, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरी वीडियो मैंने क्वेश्चन के जो भी है ना, एक एक क्वेश्चन छांट कर लाया हूँ, ये ध्यान रखना। 2020, 2021, 2022 ये तीनों साल के ये क्वेश्चन हैं जिसमें मैं काट काट के आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत ही खास। ठीक है, पढ़ना है आपकी मर्ज़ी, नहीं पढ़ना वो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं देगा। बड़ी मेहनत से लेकर आया हूँ इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको जोर दे रहा हूँ। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना अगर पास होना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसमें दिया द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। सभी बच्चों ने इसका डी नंबर आंसर लगा दिया है। क्या लगा दिया, डी नंबर, कंप्रेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक जिंक में किस प्रकार का पंप इस्तेमाल किया जाता है? तो किस प्रकार का पंप इस्तेमाल किया जाता है, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी ने इसका बी नंबर आंसर दिया है। क्या दिया, बी नंबर, प्लंजर पंप। क्या आएगा, प्लंजर पंप इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कौन सा उपकरण यांत्रिक को वायवीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया डी नंबर। तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कंप्रेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कौन सी डिवाइस हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सभी ने इसका आंसर दिया ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर, एक्चुएटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्या है, हाइड्रोलिक्स सिलेंडर का नाम क्या है? तो इसका इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फटाफट बताइए।
फटाफट बताइए इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने इसका जो राइट आंसर दिया है वो दिया सी नंबर। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। एकल एक्टिंग सिलेंडर इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक्टिंग सिलेंडर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वाल्व का नाम क्या है? तो डायग्राम दिया, इसमें पूछा वाल्व का नाम क्या है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोग इसका आंसर दे रहे हैं, वो आ जाएगा इसमें सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? सी नंबर। चेक वाल इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वाल्व का नाम क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा, फटाफट बताइए आंसर। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने जो आंसर दिया है इसका सी नंबर आंसर दिया है। क्या दिया? सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थर्टल वाल्व इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैनुअल प्रतीक का नाम क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका जो आंसर दे दिया है वो दिया है बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। पैर रखने वाला पैडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यांत्रिक प्रतीक का नाम क्या है? तो इसका नाम बताइए इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने जो आंसर दिया इसका सी नंबर दिया है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या है, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इन चारों में से हमारा जो राइट आंसर दिया है वो दिया है बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बी नंबर। मास्टर सिलेंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा, फटाफट बताइए। जल्दी बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने जो आंसर दे रहे हैं इसका वो दे रहे हैं डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर। फ्लूइड रिजर्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वायवी प्रणाली का शक्ति स्रोत कौन सा है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सी नंबर। एयर कंप्रेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कंप्रेसर का प्रकार क्या है? तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। रेसिप्रोकेटिंग प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा कानून लागू होता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। सभी बच्चों ने इसका सी नंबर आंसर दिया। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? सी नंबर।
पास्कल का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। बाहरी गियर पंप में सील के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने इसका आंसर दिया डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गियर मेसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ड्राइव पंप का नाम क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सभी ने इसका आंसर सही लगाया है, वो लगाया ए नंबर। डी नंबर आएगा इसका, क्या आएगा? डी नंबर। ठीक है, इसमें है बाहरी गियर ड्राइव पंप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, पंप का नाम क्या है? तो इन चारों में से कौन सा आंसर आ जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका जो आंसर दिया है वो दिया सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक गियर पंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पर। स्लेव सिलेंडर में किस प्रकार का क्लच सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है, फटाफट बताइए। बी नंबर सभी बच्चों ने इसमें आंसर लगाया, क्या आएगा? बी नंबर, हाइड्रोलिक क्लच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। NDT विधि का नाम क्या है? तो इन चारों में से राइट आंसर क्या है, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी ने इसका सी नंबर आंसर दिया है, क्या? सी नंबर, चुंबकीय कण परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कंपोनेंट एक्स के रूप में चिन्हित वायवीय घटक का नाम क्या है? तो इन चारों में से क्या आंसर आ जाएगा? बहुत बढ़िया, सभी ने इसका आंसर दिया है ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। एक्चुएटर आएगा इसका, क्या आएगा? एक्चुएटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक्स के रूप में चिन्हित वायवीय घटक का नाम बताइए। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है, फटाफट बताएं। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए नंबर, FRL इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित वायवीय घटक का नाम बताइए। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है, फटाफट बताइए। सभी ने इसका जो आंसर दिया है वो दिया सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? नियंत्रण वाल्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक्स के रूप में चिन्हित वायवीय घटक का नाम बताइए। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका जो आंसर दिया है वो दिया बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कंप्रेसर, कंप्रेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनडीटी विधि का नाम क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट क्या है? बहुत बढ़िया, सभी लोग इसका राइट आंसर दे रहे हैं बच्चे, सी नंबर, सी नंबर सभी ने इसका आंसर लगाया है। क्या? सी नंबर। लिक्विड पेनेट्रेट परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसमें एक्स का रूप दिया है, इसमें ये बताना है इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इन चारों में से क्या क्या आंसर आएगा फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका डी नंबर लगाया, कुछ बच्चों ने इसका गलत बताया, वो सही कर लेना इसको। ठीक है, क्या आएगा इसका? डी नंबर। मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर, सिलेंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वाल्व का नाम क्या है? वाल्व का नाम क्या है? ये डायग्राम दिया है, इसमें पूछा है इसका नाम क्या है। ठीक है, तो क्या नाम है इन चारों में से हमारा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने इसका आंसर दिया है डी नंबर, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रेशर, प्रेशर रिलीफ वाल्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाई वी ब्रेक प्रणाली में ब्रेक वाल्व का क्या कार्य है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर, ए नंबर सभी ने लगाया इसका। सिस्टम को हवा के दबाव को, दबाव की अनुमति दें, क्या दिया? हवा के दबाव की अनुमति दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बाहरी ड्राइविंग गियर में संचालित गियर मेसिंग के रोटेशन की दिशा क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी ने इसका सी नंबर आंसर लगाया है, क्या लगाया? सी नंबर। ओपोसिट डायरेक्शन, डायरेक्शन ओपोसिट डायरेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आंतरिक गियर पंप में कौन सा भाग सील के रूप में कार्य करता है? तो इन चारों में से क्या राइट आंसर आएगा हमारा फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी ने इसका डी नंबर लगाया आंसर, क्या लगाया? डी नंबर। क्रिकेट सेप्ड स्पेसर क्या आएगा? क्रिकेट सेप्ड स्पेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्रुवों के बीच के क्षेत्र में किस प्रकार के एनडीटी विधि का उपयोग किया जाता है जो कि फेरस कणों को लागू किया जाता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी ने इसका आंसर दिया है डी नंबर, डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डी नंबर। इलेक्ट्रोड मैग्नेटिक योक स्ट्रिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता की गली में पहली कार कब निकली थी? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी ने इसका बी नंबर आंसर लगाया, क्या लगाया? बी नंबर, 1887 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष हिंदुस्तान मोटर ने राजदूत कार उद्योग की स्थापना की? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी ने इसका सी नंबर आंसर लगाया, क्या लगाया? सी नंबर, 1940। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भारत में मारुति कार कब लॉन्च हुई? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका सी नंबर आंसर लगाया है। क्या लगाया? सी नंबर। 1983 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहन विनिर्देश में 2498 सीसी क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका सी ए नंबर राइट आंसर दिया। क्या ए नंबर लगाया है? क्या ए नंबर? इंजन की क्षमता इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वाहन विनिर्देशन में 2WD के लिए शब्द क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका ए नंबर आंसर दिया है। क्या लगाया? ए नंबर, दो पहिया ड्राइव। क्या दिया? दो पहिया ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टीयरिंग सिस्टम में टार्क को किसने बढ़ाया? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका बी नंबर आंसर दिया। कुछ बच्चों ने इसका गलत आंसर लगाया, तो कोई बात नहीं, जिन्होंने गलत लगाया वो देख लेना इसको, इसका आंसर बी आएगा। क्या आएगा? बी नंबर। गियर बॉक्स, क्या आएगा? गियर बॉक्स इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, JX15 द्वारा दी गई जानकारी क्या है? तो क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए। बच्चों वीडियो को पूरा देखना, कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो लेकर आया हूँ मैं, ठीक है? और परीक्षा आपकी चली रही है तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? जिनके अभी पेपर नहीं हुए उन लोगों के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, इसका ए नंबर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए नंबर। रिम का आकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, VDC संख्या के VDC 17 अंकों के समूह में इंजन प्रकार को इंगित करने वाला अंक कौन सा है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए। सभी बच्चों ने इसका एकदम आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, डी नंबर दिया है इसका, एकदम राइट आंसर लगाया सभी ने इसका, राइट लगाया। आठ आएगा इसका। क्या आएगा? आठ, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 17 अंक VIN संख्या में 12-17 अंक क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। सभी बच्चों ने इसका जो राइट आंसर दिया है वो दिया है सी नंबर, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीरियल क्रमांक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मोटर वाहन गतिविधियों को विनियमित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया है डी नंबर, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डी नंबर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा है, देख सकते हो आप इसमें दिया है, इसमें ये दिया है एक्स, इसका नाम पूछा है, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा आएगा, फटाफट बताइए, इन चारों में से कौन सा आएगा, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, डी नंबर आएगा इसमें से, कौन सा आ जाएगा? डी नंबर। ड्रेन प्लग इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपकरण का नाम क्या है ये पूछा है इसमें, डायग्राम इसका नाम पूछा है, ये क्या है? तो इन चारों में से कौन सा आंसर आएगा, फटाफट बताइए।
सी नंबर आंसर लगाया, सभी बच्चों ने इसका सी नंबर, बहुत बढ़िया। मैकेनिकल जैक, इसका मैकेनिकल जैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। क्या एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। रिवॉल्विंग डिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उपकरण का नाम क्या है। तो ये डायग्राम दिया है, इसका नाम पूछा है, इसका नाम क्या है, क्या इसका नाम क्या है ये पूछा है, तो फटाफट बताइए इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका बी नंबर लगाया है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इंजन होइस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, होइस्ट इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उपकरण का नाम क्या है। तो उपकरण का नाम क्या है, तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर फटाफट बताइए इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया है डी नंबर। क्या डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा, हाइड्रोलिक जैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का वाहन अपने पर्यावरण को संवेदन और मानव इनपुट के बिना नेविगेट करने में सक्षम है। इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका राइट आंसर लगाया है डी नंबर, डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ड्राइवर लाइसेंस कार, क्या आएगा, ड्राइवर लाइसेंस कार इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, लंबी अवधि के लिए किस प्रकार के सेवा उपकरण को उठाकर वाहन को रखा जाता है। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका राइट आंसर लगाया ए नंबर। क्या लगाया, ए नंबर, होइस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार को उठाने के लिए कार सर्विस स्टेशन में किस प्रकार के सर्विस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा आएगा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने इसका सी नंबर आंसर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि कार किस लिए काय पे उठाया जाता है, कैसे उठाया जाता है, उन्होंने देखा भी होगा शायद मेरे हिसाब से लगभग लोगों ने मार्केट में जब भी आप गए होंगे, तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिक होइस्ट इसका राइट आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कार के चेसिस के नीचे त्वरित निरीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा, फटाफट बताइए बच्चों। तो इन चारों में से हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा सी नंबर। क्या आ जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ट्रॉली जैक इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे थे वो पूरे हो चुके हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो छाट करके जिसमें से जो 2020-21 के और 19 के जो क्वेश्चन थे उनमें से निकाल के आपके लिए वापस वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।